नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त, गोपाष्टमी में गाय की पूजा किस प्रकार करें तथा गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, इस विषय में बताऊंगी। तो आइए चलिए जानते हैं। शास्त्रों में गोपाष्टमी पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। गाय माता में सभी देवताओं का वास माना गया है। वहीं ये पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 1 नवंबर को पड़ रही है। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि वैसे तो यह उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मथुरा वृंदावन में इसका विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं तिथि और इसकी पूजा विधि। वैदिक पंचांग के मुताबिक अष्टमी तिथि 31 अक्टूबर रात 1:12 से आरंभ होगी, जो अगले दिन 1 नवंबर दिन मंगलवार की रात 11:03 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार गोपाष्टमी का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है, जो सुबह 11:47 से शुरू होगा और दोपहर 12:31 पर समाप्त हो जाएगा। आप लोग अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। इस मुहूर्त में पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को माला पहनाकर तिलक लगाएं। गाय और बछड़े को नया कोई वस्त्र पहनाएं। इसके बाद गाय को गंध, पुष्प आदि से पूजन करें। गायों को भोजन कराएं और तिलक लगाएं। साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में आरती करें। इस दिन गाय को गुड़ खिलाने का भी विशेष महत्व है। गुड़ खिलाने से सूर्य दोष से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन आप चाहें तो गौशाला में दान दक्षिणा भी भेज सकते हैं। गोपाष्टमी की कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, जो कि इस प्रकार है। कहा जाता है कि जब कन्हैया 6 वर्ष के हो गए, तब उन अपनी माँ यशोदा को कहने लगे, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ तथा गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। उनकी हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी तथा नंद बाबा के साथ कृष्ण जी को वन में गाय चराने के लिए भेज दिया। वह दिन गोपाष्टमी का दिन था। इसके अतिरिक्त अगले 12 महीने तक गाय चराने का कोई भी मुहूर्त नहीं था। अतः नंद बाबा तथा माँ यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण जी को इसी दिन वन में गाय चराने के लिए जाने की अनुमति दी। मोर मुकुट, हाथों में बांसुरी तथा पैरों में घुंघरू बांधे श्याम बिना खड़ताल या चप्पल के नग्न पैरों से गौचरण के लिए गोपाष्टमी के दिन घर से रवाना हुए थे। अतः इस दिन को आज भी ब्रज तथा संपूर्ण भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।